पंख जो होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। घुमणे घुमणे मोरो जीरा रोवे बहिगुण की धार। लाल मोरो रोवत हुई है, लाल मोरो सोवत हुई है, लाल मोरो रोवत हुई है। इस तरह देवकी देखिए हमारे सीनों को आकर्षित होकर देखिए। हमारा नांग जो है, भगवान ने नांग को इशारा कर दिया, पानी बरस रहा है, तू आ जा। नांग आ गया और झमाझम पानी में नांग ने उनकी सुरक्षा के लिए अपने फनों का छत्ता लगा लिया। कितना अच्छा सीन। बबलू राजपूत 51 इस बसदेव और नांग के सीन पर खुश होकर के जल विहार कार्यक्रम में प्रदान कर रहे हैं। भगवान उसको यही आकृति दिखाई दे। भगवान दस रुपए लल्लू गुप्ता मुस्कुरा। देखिए बसदेव जी ने किस तरह बच्चा पैदा हुआ। कृष्ण भगवान देवकी के यहाँ पैदा हुए, अब चले गोकुल में। ये गोकुल में लिए जा रहे हैं माँ यशोदा के यहाँ। इन्होंने बता दिया था कि मैं तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा, तुम्हारे यहाँ सिर्फ आऊंगा। उसने मांगा था देवकी ने कि मुझे तुम जैसा पुत्र चाहिए, मैं तुम जैसे पुत्र की माँ बनूं, बस मेरा यही। बोले और कुछ मांग लो, बस इतना ही मांगा, मुझे इतनी शौक है कि मैं तुम जैसा पुत्र अपनी गोद से निकले और मैं जिंदगी तमाम उसकी माँ बनी रहूं, कि देवकी का पुत्र है, बस इसी वरदान के लिए। और माँ यशोदा ने भी मांगा था कि मुझे उसका प्रेम चाहिए, बच्चे का, बच्चा मुझे परेशान करे और मैं उसको मारूं पीटूं और उसके साथ खेलूं, उसने ये वरदान मांगा था। तो उसका दोनों वरदान करने के लिए चलते हैं। बबलू पासवान ये 51 रुपए पुरस्कार देते हैं इस सीन पर, धन्यवाद। देखिए ये हमारा कालिया, जिसके हजारों फन थे, उसने छत्र छाया करके भगवान कृष्ण को माँ यशोदा के पास भिजवाने में सहयोग किया। जमुना जी अधिक बड़ी हुई थी। आरी सोखी के सब साथी दुखो में ना। कितना अच्छा सीन है। सोखी के सब साथी दुखों में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साझा पूजा न कोई। चंदू पासवान 50 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित है, खुश रखते हैं। देखिए भगवान ने कालिया को बुला करके छत्र छाया बना करके बसदेव को आदेशित किया कि तुम मुझे माँ यशोदा के पास गोकुल ले चलो। ये गोकुल जाने का सीन
आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा मिलेगा। बड़े भले ही आपने बड़ी बड़ी पार्टियां देखी हो, बड़े बड़े शहरों में आपने तमाशे देखे हो, लेकिन इतना आकर्षित और इतना रोमांचक सीन आपको देखने को नहीं मिला होगा। इसके लिए हमने भी कई जगह देखे हैं। ये देखिए, माँ यशोदा के घर में, गोकुल में। हाँ भैया, ये अमन अमन भैया ढोलक मास्टर जी की, उसे एक से एक रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण को भेजा गया और बसदेव जी वहाँ से। अरे मन ही देवता, मन ही पूजा, मन के रंगे हजार। अरविंद मिश्रा जी जो बसदेव जी का काम करते हैं, मन के रंगे हजार, मन से मिश्रा जी का रोल बहुत अच्छा रहा। मन के रंगे हजार। अब माया की, माया को लेकर के, कन्या लेकर के फिर से अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं जेल में। जग से चाहे भागे ले प्राणी, ओ जग से चाहे भागे ले प्राणी, मन से भागे न पाए, पूरा मन दर्पण कहलाए, पूरा मन दर्पण कहलाए, पूरा मन दर्पण कहलाए। हाँ, ये माया अब फिर से जा रही है उसी दरबार में, जेल में। अब देखिए शुरू होता है नटखट, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये माया जब जेल में जाएगी, नटखट शुरू हो जाएंगे। वो बता देगी कंस को कि तेरा मारने वाला पैदा हो गया। जब भी उसे मारने के लिए वो करेगा, पछाड़ लगाएगा, तो वो चल देगी ऊपर और चली जाएगी। बोले मैं जो है अब तुम्हारे मारने वाला पैदा हो गया, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तभी से कंस का अक्का बक्का हो जाता है और अब वो सोचने लगता है कि अब क्या उपाय किया जाए। वो यही उपाय हैं जो इस तरह घूम रहे हैं। अरे उसी में बैठा लेना थे तुम्हें, तुम यार इतना नहीं जानते। नाचने वाले सब कुछ बैठा लेना था अपना दरबार पूरा लेके। अरे मनोज दद्दी ध्यान दे। हाँ इकराम साहब ध्यान दें उस पर जो है अपना बधाई समारोह करें, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म हो गया है और लड़का बालक माँ यशोदा के घर में पहुंच गया है। बालिका उनके यहाँ से चली गई है। एक हाँ भैया जीतेंद्र, जीतेंद्र भैया डांसर तखत पे पहुंच जा। जीतेंद्र अरे जल्दी आए। ये 1001 रुपया हमारे प्रधान जी सतीश भैंसाएं, सतीश प्रधान जी भैंसाएं 1000 रुपए की मुद्रा भगवान कृष्ण जन्म महोत्सव में प्रदान करते हैं। भगवान इनका भंडारा फुल भर रहे हैं। जीतेंद्र डांसर, जीतेंद्र डांसर, हाँ जल्दी से जल्दी उसमें व्यवस्था बनाएं। अब देखिए जब कृष्ण जन्म होता है तो कंस घबराता है। आजा। ये राम श्री राजपूत 51 रुपए भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में प्रदान कर रहे हैं। भगवान इनको शुभ आशीर्वाद प्रदान करे। ये आज की लीला में मजा आ जाएगा। आप शांत रहें और दृष्टि भगवान कृष्ण के चरणों में डाल दें।
माया से चक्र हटा दें, बस मजा आ जाएगा। न टाइम का, सब खुजली हटा दें, आनंद आ जाएगा। भगवान के चरणों में जब मन लगता है, कभी मन नहीं लग सकता, लेकिन जब लगाया तब लगेगा। पैसे तो सब जगह लोग कमाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, एक एक महीने में चार चार दस दस लाख रुपए का वेतन है, फिर भी शांति नहीं मिलती। और इसमें जितनी देर आप भगवान के चरणों में अपना शीश डाल देंगे